नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे बोटनी की कटिंग करना। तो बोटनी की कटिंग के लिए हमने सूट की कटिंग सबसे पहले कर ली है। अब यहाँ पे बस हम बैक पार्ट पे बताएंगे बोटनी की कटिंग करना। तो इसके लिए हमने शोल्डर और आर्म होल को दोनों को कटिंग कर लिया है। देखिए, हमने शोल्डर रखा है 7.5 इंच और हमने आर्म होल रखा है 6 इंच। अब इसके बाद यहाँ पर हम नेक का निशान लगाएंगे। तो नेक के निशान के लिए हम बहुत ज़्यादा चौड़ाई यहाँ पर नहीं रखेंगे नेक का, क्योंकि ज़्यादा चौड़ाई रखने से यहाँ पे जो कंधा गिरता है उसका डर होता है, इसीलिए कंधे को हम थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे और यहाँ पे गले को कम रखेंगे। तो 3.5 इंच पे हम गले का निशान लगाएंगे। तो देखिए, हम 3.5 इंच पे निशान हमने नीचे से भी लगाया है, यहाँ से बहुत ज़्यादा गहराई भी नहीं लेंगे नीचे से। तो इस तरह से इसको हम चौकोर इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। देखिए, दोनों साइड से हमने उतना ही रखा है 3.5 इंच। अब इसके बाद हम यहाँ पे जो हमने शोल्डर रखा है उसको नापेंगे कि देखिए शोल्डर कितना बचा है। इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा के रखेंगे और इसको गले को कम रखेंगे। तो यहाँ पर हमने 4 इंच शोल्डर को रखा है। अब यहाँ पे लगाएंगे हम निशान जो बीच में हम बनाते हैं गहराई के लिए। देखिए, हमने 2.25 इंच पे लगाया है निशान और इस निशान को इस कोने से मिला देंगे इस तरह से गले का शेप देते हुए। बहुत ज़्यादा गहराई इसमें नहीं करेंगे गहराई करने से, क्योंकि थोड़ा सा डीप हो जाता है और बोट गले की तरह नहीं होता है वो, तो इसीलिए हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा डीप नहीं लगाएंगे, जिससे गला बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, गहराई ज़्यादा ना हो इसमें। अब इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। तो इस तरह से आप बोटनी की कटिंग कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।